एंड मैं अगर एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आया तो मैं आपको आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी, वरना ब्लॉग बंद कर दूंगी। सो आप लोग समझ जाना, एंड इसलिए पहले ही बोल देती हूँ, ड्रीम इट, बिलीव इट एंड विल अचीव इट एंड विल मेक इट ऑल। थोड़ी देर बाद मिलते हैं, मुझे लास्ट मिनट थोड़ा सा रिवीजन करना है तो वो मैं फटाफट कर लेती हूँ। बाय बाय। हे गाइज, हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई नो मैं आज बाहर हूँ क्योंकि मेरा है ऑनलाइन एग्जाम और मैं जा रही हूँ अभी एक स्टेशनरी ढूंढने ताकि मैं अपना एडमिट लेटर प्रिंट करा सकूँ। सो लेट्स गो। एंड मुझे तो पता भी नहीं स्टेशनरी मिलेगी भी या नहीं, मतलब स्टेशनरी का शॉप। सो लेट्स गो, देखते हैं मिलता है या नहीं। कांचीपुर ये केटी बिजनेस कांची मिल गया मुझे मेरा प्रिंट आउट एंड इट वॉज क्वाइट अ ईजी प्रोसेस। लोग बोल रहे थे कि बहुत डिफिकल्टी होगी, रिक्शा वाला आगे रुक गया मुझे कैमरे में बात करता हुआ देख के। वी आर लकी आई गेस। सो अभी जल्दी जल्दी घर भागते हैं। हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई थिंक सो मैंने सुबह ठीक तरह से वेलकम नहीं किया और आप लोगों को समझा भी नहीं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था। तो सुबह मैं गई थी ऑन स्टेशनरी शॉप टू गेट सम फोटो कॉपीज एंड सम प्रिंट आउट्स बिकॉज मैं दे रही हूँ ऑनलाइन एग्जाम लॉकडाउन में। आई थिंक सो ये मेरा फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम है एंड मैं सिर्फ ब्लॉग इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी डिफरेंट। क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि मैं सेंटर पर जाकर एग्जाम देती थी, बट ये एग्जाम कुछ अलग है, ये आपको आपके घर से देना है, इसके रूल्स बहुत ज़्यादा अलग है। तो आज है 7th of May एंड कल मेरा एग्जाम है विच इज 8th of May और मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। वैसे पढ़ाई तो मेरी ऑलमोस्ट हो गई है, मुझे सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। सो आज मैं रिविजन करूँगी पूरा दिन एंड कल का जो दिन रहेगा 12:45 को मेरा एग्जाम है सुबह, तो दोपहर में आई मीन। तो ये कोई यू नो नॉर्मल वो गूगल क्लासरूम वाला एग्जाम नहीं है, दिस इज़ द एग्जाम विच आई एम गिविंग फॉर यू नो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये अपना नॉर्मल गूगल क्लासरूम वाला नहीं है जहाँ पर आपको पेपर मिल जाएगा एंड आपको आंसर लिख के PDF में भेजना है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है जहाँ पर आपका माइक ऑन होना चाहिए, आपका वीडियो कॉल ऑन होना चाहिए और अगर आप कुछ भी थोड़ा सा भी यहाँ से वहाँ ही ले देन एग्जाम अब्रप्टली वो लोग बंद कर देंगे एंड आपको कोई रीजन नहीं दिया जाएगा। रीजन यही होगा कि समथिंग यू नो सस्पिशियस डिटेक्टेड, तो इसलिए इसमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है राधर देन वो नॉर्मल क्लासरूम एग्जाम गूगल क्लासरूम एग्जाम के मुकाबले। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आप लोग भी ऐसे कोई एग्जाम दे रहे हो सो आप लोग मेरी गलतियों से, जो मैं चाहूँगी कि मैं ना करूँ, बट अगर मुझसे कुछ गलती होती तो उससे आप सीख सकते हो। एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ कर लो एंड या लेट्स गो। गाइस, मैंने कहा था ना ये नॉर्मल गूगल क्लासरूम जैसा एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। सो पहला प्रॉब्लम ही मुझे इतना बड़ा आ गया कि मुझे डाउनलोड करना था इस एग्ज़ाम के लिए सिक्योर ब्राउज़र ऐप। सिक्योर ब्राउज़र एक ऐप है, वो मुझे इस एग्ज़ाम के लिए डाउनलोड करना था मेरे लैपटॉप में, जो डाउनलोड करने के बाद ही मैं एग्ज़ाम लिंक पे क्लिक करके एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकती हूँ। सो आज क्योंकि 7th May है इसीलिए मुझे एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट देना है, तो इससे वो लोगों को भी पता चलेगा कि मेरा जो सिस्टम है, लाइक जो भी लैपटॉप या PC जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ वो प्रॉपर है या नहीं एंड वो एग्ज़ाम के दिन पर कुछ प्रॉब्लम ना दे। इसीलिए जब मैंने सिक्योर ब्राउज़र ऐप डाउनलोड करना चाहा इन माय यू नो नॉर्मल लैपटॉप जो कि मेरे ऑफिस का लैपटॉप है, तो वो मेरे लैपटॉप में सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। और इसके बहुत सारे रीजंस है। फर्स्ट कि ऑब्वियसली ऑफिस से वो ये सारे जो साइट्स होते हैं दीज आर नॉट मेरे ऑफिस के रिलेटेड साइट नहीं है, तो इसलिए ये वेब पेज ब्लॉक्ड आता है। एंड सेकेंड द मेन रीज़न कि सिक्योर ऐप ब्राउज़र आप तभी डाउनलोड कर सकते हो जब अगर आपके लैपटॉप में कोई भी एंटीवायरस ना हो, कोई भी एंटीवायरस अगर आप लोगों ने डाउनलोड करके रखा है सो ये ऐप आपके लैपटॉप में सपोर्ट नहीं करेगा।
एंड आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई भी लैपटॉप होगा. इनफैक्ट हम अपने पर्सनल फोन लैपटॉप में भी एंटीवायरस डाल के ही रखते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट अ लैपटॉप फ्रॉम एनी यू नो वायरस एंड ऑल. बट ये मेरे ऑफिस के लैपटॉप में सपोर्ट नहीं कर रहा था. देन आई हैड टू बोरो माई ब्रदर्स लैपटॉप जो कि है डेल का. देन आई हैड टू बोरो दिस एंड इस लैपटॉप में भी ये सपोर्ट नहीं कर रहा था लकीली. बट इसमें एंटीवायरस जो था वो फ्री ट्रायल का था तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा था. मेरी भाभी और मैंने इतना मेहनत किया, मेरी भाभी ने बेसिकली इतना मेहनत किया उस एंटीवायरस को इसमें से अनइंस्टॉल करने के लिए वो ऐप को, बट वो नहीं हुआ. देन फिर भी वो ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा था इन स्पाइट ऑफ वी डिलीटिंग एंड अनइंस्टॉलिंग द एंटीवायरस. देन लकीली बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद मेरे पास एक टेक्नीशियन का नंबर था. सो मैंने उस पर कॉल किया एंड उसका उससे सपोर्ट मांगा. सो उन्होंने मुझे क्रोम में जाके एनी वेयर डेक्स समथिंग लाइक दैट, मैं यहाँ पर बता दूंगी वो कौन सी साइट थी, उस साइट पे जा उस साइट को ओपन करने के लिए बोला. एंड जैसे ही मैंने वो साइट ओपन किया उन्होंने मुझसे रिमोट लिया. रिमोट में यू हैव टू बेसिकली गिव एक्सेस टू द थर्ड पर्सन ताकि वो वहाँ से सेटिंग्स कर सके. सो उन्होंने एक्सेस लेने के बाद मेरे लैपटॉप, मेरे भाई के लैपटॉप में से एंटीवायरस तो नहीं था वो, बट उन्होंने सिस्को वेबएक्स मीटिंग एंड जूम मीटिंग ये दोनों ऐप्स भी उड़ाए. बिकॉज ये दोनों ऐप्स अगर रहेंगे आपके फ़ोन आपके लैपटॉप में, मैं बार बार फ़ोन बोल रही हूँ, अगर आपके लैपटॉप में, तो भी सिक्योर ब्राउज़र ऐप डाउनलोड नहीं होगा बिकॉज ये दोनों भी यू नो स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स है. तो इसलिए ये नहीं होने चाहिए तभी वो डाउनलोड होगा. एंड ये सब ज्ञान मैं यहाँ पर इसीलिए दे रही हूँ बिकॉज जब मुझे प्रॉब्लम आ रहा था और मैं गूगल पे जाकर मैंने सर्च किया तो मुझे एक भी प्रॉपर यू नो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था. तो अगर आप लोग कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो एंड अगर आप में से किसी एक को भी ये नॉलेज काम में आएगी तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल. एंड या अभी फाइनली इंस्टॉल हो गया और अभी मैं अपना मॉक टेस्ट देने जा रही हूँ बिकॉज एग्ज़ाम के एक दिन पहले मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है टू जस्ट सी कि एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट कैसा होगा एंड टाइम लिमिट में कैन आई कंप्लीट द क्वेश्चंस. सो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ अपना मॉक टेस्ट देने. विश मी लक. 6.5 hours later. भाभी आपको पता है मैं अभी रूल्स पढ़ रही थी उसके एग्जाम्स के, तो उसमें ऐसा लिखा है ना कि यू कैंट सिट ऑन फ्लोर, मतलब आप फ्लोर पे नहीं बैठ सकते, आप किसी काउच पे भी बैठ नहीं सकते. एंड ऐसा हम बैठना है ना कि पीछे मतलब सराउंडिंग में कोई ज़्यादा लोग चलने नहीं चाहिए एंड पूरा मतलब प्रॉपर एग्जाम हॉल कैसे होता है ऐसा कुछ करना है. सो क्या करें, मैंने सोचा था कि मैं इस बीन बैग पे बैठ कर दे दूँगी आराम से एग्जाम, पर अभी ये भी नहीं कर सकते. सो मैं अभी क्या करूँ. हम ऐसे करते हैं ये वाला टेबल जो है इसको सब साफ करके सब निकाल के इसको हम लोग उस कोने में मूव करते हैं. ओके. और ये चेयर या कोई ब्लैक कलर की चेयर भी वहाँ पे रख देते हैं, फिर तुमको वो प्लेन वाला दीवार भी मिल जाएगा, टेबल का टेबल भी हो जाएगा, चेयर का चेयर भी हो जाएगा. ओके परफेक्ट. हाँ चलो ये करते हैं, लेट्स गो.
रियल ब्लॉग दिखाएंगे हम लोग। गाइस टुडे इज 8th ऑफ मे एंड मेरा एग्जाम है अभी 12 बज रहे हैं, 12:45 को एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। सो हम लोग ने ये सेटअप बनाया है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो मैंने पहले वाली क्लिप में बता दिया है। सो इसलिए माय भाभी केम अप विद दिस आइडिया एंड इट इज वेल एग्जीक्यूटेड एंड आई होप मेरा एग्जाम अच्छा जाए। विश मी लक एंड मैं अगर एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आया तो मैं आपको आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी, वरना ब्लॉग बंद कर दूंगी। सो आप लोग समझ जाना एंड इसलिए पहले ही बोल देती हूँ, ड्रीम इट, बिलीव इट एंड विल अचीव इट एंड विल मेक इट ऑल। थोड़ी देर बाद मिलते हैं, मुझे लास्ट मिनट थोड़ा सा रिवीजन करना है तो वो मैं फटाफट कर लेती हूँ। बाय बाय। हेलो गाइस, सो मैं एग्जाम देने के बाद डायरेक्टली सो गई थी एंड उसके बाद मैं सीधा अभी उठी एंड एग्जाम का जो रिजल्ट था वो एक्चुअली आया नहीं है एंड आई थिंक सो उसके लिए 72 आवर्स और 48 आवर्स लगेंगे। सो आई विल अपडेट यू ऑल अबाउट द रिजल्ट्स ऑन माय इंस्टाग्राम और इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड आई रियली वांटेड टू एंड दिस व्लॉग ओवर हियर सो दैट, क्योंकि अभी और भी मुझे बहुत सारे व्लॉग्स बनाने, तो ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं एंड आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा हो। मैंने इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाया बिकॉज आई डोंट नो कि कितने लोगों को ये एग्ज़ाम के रिलेटेड या समथिंग की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं था। बट अगर आप लोगों को ज़रूरत है सो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में ज़रूर बताऊँगी एंड या आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन ड्रीम इट, बिलीव इट एंड अचीव इट। हो गया मेरा बोल के, आ रहे हो आप? ये मेरी भाभी छुप रही थी, व्लॉग में नहीं आना था और मैंने ये व्लॉग में ले लिया। बाय बोलो भाभी।